Hello students, welcome to my channel. Today we are going to discuss about the froth flotation process. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? Froth flotation पढ़ने वाले हैं. तो देखिए होता है क्या है froth flotation. It is very important और जो जितनी भी techniques हम पढ़ रहे हैं उन सब में सबसे ज़्यादा important कौन है? Froth flotation है. तो what is froth flotation process? एक बार meaning देखिए. Froth flotation. एक बार हम क्या किसकी बात कर रहे हैं? Meaning की बात कर रहे हैं. देखिए फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस. फ्रोथ का मतलब क्या होता है बेटा? झाग, जो झाग आ जाते हैं. ठीक है, फ्लोटेशन, फ्लोट करते हैं झाग. कहाँ फ्लोट करते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड. तो यहाँ हमने क्या करना है? ओर को कंसंट्रेट करना है. कैसे करना है? पहले ओर का क्या बनाना पड़ेगा? झाग बनाना पड़ेगा, फ्रोथ बनाना पड़ेगा. क्या बनाना पड़ेगा? झाग बनाना पड़ेगा, फ्रोथ बनाना पड़ेगा. क्लियर? तो देखिए व्हाट इज द फ्रोथ फ्लोटेशन है क्या ये आपकी फ्रोथ फ्लोटेशन? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इन द वेटिंग प्रॉपर्टीज. वेटिंग प्रॉपर्टीज क्या वर्ड यूज कर रहा है? वेटिंग प्रॉपर्टीज. What do you mean by wetting properties? होती क्या है ये wetting properties? देखिए हमने क्या किया, हमने किया पानी डाल लिया. पानी में हमने डाल दिया ऑयल, थोड़ा सा उसमें तेल डाल दिया, ऑयल डाल दिया. ये हमने कोई भी कंटेनर लिया, यहाँ ये ऑयल डाल दिया, ये ऑयल ड्रॉपलेट सरफेस के ऊपर घूम रहे हैं. अब हम क्या करें? कोई ऐसा ही सब्सटेंस डाल दें. क्या करें हम? कोई ऐसा सब्सटेंस डाल दें. ठीक है, अब मान लिया मैंने यहाँ डिटर्जेंट डाल दिया. क्या डाल दिया मैंने? डिटर्जेंट डाल दिया. डिटर्जेंट. तो डिटर्जेंट डालने से क्या हुआ? ये ऑयल पार्टिकल्स क्या हुए? कुछ कुछ कम हो गए. कुछ कुछ क्या हो गए? कम हो गए. क्योंकि आपके डिटर्जेंट में दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं. कितनी तरह के? दो तरह के, नॉन पोलर और पोलर. कौन कौन से होते हैं? नॉन पोलर एंड नॉन. हमारे डिटर्जेंट के दो पार्ट हैं, एक पॉजिटिव पार्ट है, एक नेगेटिव. पॉजिटिव पार्ट है, एक हमारा नेगेटिव पार्ट है. या फिर हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया इसका पोलर पार्ट, और एक क्या हो गया जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है, हाइड्रोकार्बन पार्ट. हाइड्रोकार्बन पार्ट कहाँ डिजोल्व होगा? ऑयल में. और ये जो आपका पोलर पार्ट है ये कहाँ डिजोल्व हो जाएगा? वाटर के अंदर. तो जैसे ही डिटर्जेंट आपने डाला तो वो ऑयल का कंटेंट ऑलमोस्ट खत्म हो गया. क्यों खत्म हो गया? क्योंकि अब ऑयल क्या हो गया? डिजोल्व हो गया. कहाँ? डिटर्जेंट के अंदर. ठीक है, डिटर्जेंट ऑयल में डिजोल्व नहीं हुआ, ऑयल कहाँ डिजोल्व हो गया? डिटर्जेंट के अंदर. इज इट क्लियर? तो इसी तरह से क्या होता है, कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं वो किसमें डिजोल्व होते हैं? ऑयल में. और कुछ इसमें होते हैं, ऑयल से हमारा मतलब है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट. और कुछ किसमें होते हैं? पोलर सॉल्वेंट्स लाइक द वाटर. क्लियर? तो यहाँ भी हमने वेटिंग प्रॉपर्टीज का हमने क्या करना है कि कुछ क्या होंगे, डिजोल्व होंगे किसके अंदर? पानी में. और कुछ किसमें होंगे? ऑयल में. तो हमारे पास क्या है? हमारे पास सब्सटेंस है क्या? ओर है. और क्या है? इम्प्योरिटीज है. हम क्या कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या है? रिमूवल ऑफ द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर. अब आप देखिए तो हमारे पास क्या होगा? ओर की वेटेबिलिटी, ओर डिजोल्व, किसी ओर डिजोल्व हो रहा है ऑयल में और इम्प्योरिटीज डिजोल्व हो रही है वाटर में. तो ये किससे भीग रही है? डिजोल्व का मतलब क्या? वेटिंग का मतलब ये किससे भीग रहे हैं? ऑयल, सॉरी, और किससे भीग रहे हैं? ऑयल से. इम्प्योरिटीज किससे भीग रही है? वाटर से. ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ वेटिंग प्रॉपर्टीज. ये भी वेटिंग का मतलब है कि अगर हमने पानी डाला, पानी में हमने ऑयल ड्रॉपलेट डाल दी, तो जो ऑयल था ऑयल का पार्ट किसमें डिजोल्व हो गया? सॉरी, जो ओर था उसका पार्ट किसमें डिजोल्व हो गया? ऑयल में, तेल में. ठीक है, वाओ, देखिए क्या कह रहा है. वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओर एंड गैंग. गैंग पार्टिकल्स क्या है? इम्प्योरिटीज विद वाटर एंड ऑयल. गैंग पार्टिकल किसके साथ होंगे? वाटर के साथ. ऑयल पार्टिकल किसके साथ होंगे? सॉरी, ये और पार्टिकल्स किसके साथ होंगे? ऑयल के साथ. और सबसे जरूरी बात क्या है, दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर. किसके लिए यूज होगा? सल्फाइड ओर्स के ही लिए ही ये मेथड हमारा क्या होगा? यूज होगा. इज इट क्लियर? तो ये देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टैंक ले लिया हमने और यहाँ हमने क्या किया, एक रोटेटर ले लिया.
ये क्या है, रोटेटर है। किस तरीके से, जैसे दूध पिलाते हैं ना सुबह घर में, उसके अंदर एक सेंट्रीफ्यूजर मशीन लगा देते हैं, और इसके अंदर से हमने क्या डाला, पाउडर, पाउडर्ड ओर, नॉट दी पावर ओर। ये पावर ओर नहीं आएगा यहाँ, क्या आएगा, पाउडर्ड ओर, ऑयल प्लस वाटर। क्या डाल दिया हमने, पाउडर्ड ओर, ऑयल प्लस वाटर। सबसे पहले क्या लिया, एक टैंक लिया, रोटेटर लाया गया, वो रोटेटर होलो होगा ताकि उसके अंदर एयर वॉयलेंटली एंटर कर सके। फिर हमने क्या किया, और कौन सा लिया, सल्फाइड का लिया। ये ब्लैक वाले क्या है, आपके गैंग पार्टिकल्स, इम्प्योरिटी हैं। ये ब्लू वाले आपके क्या है, सल्फाइड ओर्स है। यहाँ हमने डाल दिए। डालने के बाद कहाँ एंटर करना शुरू किया इन्होंने, टैंकर के अंदर, टैंक के अंदर। जैसे ये टैंक के अंदर चले गए तो देखिए क्या होता है, ऑयल बीच में डला है ना, वो किससे में होंगे, वेट और पार्टिकल्स, और ऑयल में फैट होंगे। एयर ब्लोन वायलेंटली, यहाँ से वायलेंटली एयर क्या हो रही है, ब्लो कर रही है। और जब एयर ब्लो कर रही है तो वो क्या रहा है, मिक्सचर क्या हो रहा है, डिजोल्व होना शुरू हो रहा है। तो ये देखिए, ये जो ब्लू ब्लू पार्टिकल्स हैं, ये किसमें वेटेबल हैं, ऑयल में। किसमें वेटेबल हैं, ये ऑयल के अंदर, ठीक है। और जो इम्प्योरिटीज किसमें होगी, पानी में। अब पानी में है वो क्या हो गए, हैवी हो गए, और ऑयल के अंदर जो डिजोल्व हो गया वो क्या हो गया, लाइट हो गया। जैसे जैसे क्या हो रही है, एयर पास हो रही है, तो क्या बन रहे हैं, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉथ, वहां झाग बननी शुरू हो गई। अब ओयल चिकना है, ऑयल क्या है, ऑयल की डेंसिटी क्या है, इट इज लोअर देन दी वाटर। वाटर से क्या है, ये कम है, और कम होने की वजह से वो कहाँ आना स्टार्ट कर देगा, इट कम्स बैक टू दी सरफेस। कहाँ आना शुरू करेगा, वो सरफेस के ऊपर आना शुरू करेगा। तो देखिए, और क्यों, पार्टिकल्स कहाँ गए, सरफेस पे आना शुरू कर दिए ना। देखो बताया था, येलो वाले, सॉरी ब्लू वाले क्या है, सल्फाइड ओर है, और ब्लैक वाले क्या, गैंग। अब गैंग पार्टिकल कहाँ गए, सारे नीचे सेटल डाउन हो गए क्योंकि ये हैवी थे। और जो आपके सल्फाइड ओर हैं वो कहाँ हो गए, सारे ऊपर आ गए, ये नीचे घूम रहे हैं, और ये कहाँ आ गए, आपके ऊपर आ गए। और इन फ्रूट्स को हम क्या कर लेंगे, वी कैन कलेक्ट देम। और इसके लिए हम क्या डालेंगे, कुछ फर्टिलाइजर डालेंगे, जैसे जैंथियर।